हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति कुमारी और आप मुझे अनअकैडमी के एक यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी आर्चिन के डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर के बारे में। मैंने कल ही एक क्लास ली थी जिसमें कि मैंने सी आर्चिन के डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में एक पूरा ओवरव्यू दिया था कि वहाँ पर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। इसके अलावा हमने देखा था कि स्लो ब्लॉक एंड फास्ट ब्लॉक क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हमने कल डिस्कस किया था। आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको कुछ सेकंड का टाइम दूंगी। आप अपना आंसर जो है मेनली चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं विथ क्वेश्चन नंबर। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जो कि CSIR 2018 जून से पूछा गया है। क्वेश्चन इज फर्टिलाइजेशन इन सी आर्चिन एग इन्वॉल्व द कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रीएक्टिवेशन। द मेजर मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग द कैल्शियम फ्रॉम द इंट्रासेलुलर स्टोरेज इज। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको ये बताया था कि जब स्पर्म एग से आकर बाइंड करता है तो एग के अंदर, ठीक है, एग के अंदर क्या करता है, वो एक पाथवे चलाता है जिसकी वजह से पीएलसी एंजाइम का एक्टिवेशन होता है। और वो पीएलसी एंजाइम क्या करता है, ये पीएलसी एंजाइम मेनली काम करता है किस पे, PIP2, जो कि एक टाइप का फॉस्फोलिपिड होता है। PIP2 पे जब पीएलसी काम करता है तो इसका कन्वर्जन वो किस में कर देता है, डैग में एज वेल एज IP3 में। और ये IP3 क्या करता है, ये ER के सरफेस पे जो IP3 गेटेड चैनल है जहां से कैल्शियम रिलीज होगा वहां पे जाकर बाइंड करता है और इस कैल्शियम को रिलीज करवा देता है। ये कैल्शियम क्या करता है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल का मेनली एक्सोसाइटोसिस करवाता है एंड उसके बाद बाकी का प्रोसेस देखा जाता है, ठीक है? तो वही चीज यहाँ पर पूछा गया है कि द मेजर मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग द कैल्शियम फ्रॉम द इंट्रासेलुलर स्टोरेज, यहाँ पर इंट्रासेलुलर स्टोरेज ER के लिए यूज किया गया है, वो कौन सा होगा। पहला है जोना पिल्यूसिडा ग्लाइकोप्रोटीन, बिल्कुल भी नहीं। सेकेंड है प्रोटामाइंस, नो। थर्ड इज इनोसिटॉल ट्रिस फॉस्फेट 145 ट्रिस फॉस्फेट। आईपी थ्री का जो फुल फॉर्म है वो है इनोसिटॉल 145 ट्रिस फॉस्फेट और इसी के बारे में यहां पर बोला गया है, तो वेरी ऑब्वियस द आंसर विल बी थर्ड। फोर्थ में बोला है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिनिडेज, जो कि बिल्कुल भी सही स्टेटमेंट नहीं है, राइट? तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, हमारा आंसर हो गया इनोसिटॉल 145 ट्रिस फॉस्फेट। लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में यहां पर बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पीसीज स्पेसिफिक प्रोटीन इन सी आर्चिन विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिकॉग्निशन ड्यूरिंग द एक्रोसोमल रिएक्शन। जब एक्रोसोमल रिएक्शन होता है तो यहाँ पर कौन सा प्रोटीन एज अ रिकॉग्निशन का काम करता है सी आर्चिन के केस में। तो आपको याद होगा मैंने ये बताया था कि स्पर्म जब मेनली एक्टिवेट होता है और जब वो एग के विसिनिटी में पहुंचता है उस टाइम पे ये देखने को मिलता है कि एग के विसिनिटी में पहुंचने तक जो मेनली स्पर्म होता है उसके सरफेस पे एक्रोसोमल प्रोसेस फॉर्म हो जाता है इस तरीके से, और इसके चारों तरफ जो होते हैं वो बिंडिन प्रोटीन का एक्सप्रेशन हो जाता है, ठीक है? और ये बिंडिन प्रोटीन क्या करते हैं, ये बिंडिन प्रोटीन स्पेसिफिक होते हैं EBR1 से जाकर बाइंड करने के लिए, और बाइंडिंग के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। और ये जब बिंडिन प्रोटीन एक्सप्रेस होता है तो ये एक्सप्रेस होता है जिस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन, ठीक है? एक्रोसोमल रिएक्शन की वजह से ये बिंडिन प्रोटीन सरफेस पे आके एक्सप्रेस हो रहा होता है ऑन द एक्रोसोमल प्रोसेस। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, कि फर्स्ट जो है यहाँ पे बता के रखा है बिंडिन, सेकंड बोल रखा है एविडिन, थर्ड इज फर्टिलिन, फोर्थ इज कॉर्टिकल ग्रैन्यूल। सो आर आंसर विल बी बिंडिन प्रोटीन जो है यहाँ पर एक्चुअल में एज अ लाइक प्रोटीन की तरह काम करता है, स्पेसिफिक प्रोटीन की तरह जो कि रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ ब्लास्टोमियर ऑफ 4 सेल सी आर्चिन एम्ब्रियो इज आइसोलेटेड
ईच ब्लास्टोमियर कैन फॉर्म द प्लूटस लार्वा, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जो कि ऑब्वियसली मैंने पढ़ाया नहीं था, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि इसमें क्या बोला गया है। सी आर्चिन में एक फोर सेल स्टेज लिया गया, यानी चार सेल का स्टेज लिया गया, ठीक है, दिस इज अ फोर सेल स्टेज। तो अगर ये फोर सेल स्टेज को आगे ग्रो करने दिया जाए तो यहां पर देखने को मिलेगा कि सी आर्चिन का जो है, सी आर्चिन का प्लूटस लार्वा फॉर्म देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ये जो चार सेल था इसको अलग अलग कर दिया, ये एक सेल, ये एक सेल, ये और ये, ठीक है। और जब इनको ग्रो करने दिया गया, आगे चल के जब ये ग्रो किए, तो देखने को ये मिला कि इन चारों से जो चीजें हमें मतलब फॉर्म होती हुई दिखी वो क्या था, वो था प्लूटस लार्वा। मतलब इससे एक प्लूटस लार्वा बना, इससे भी और इससे भी, यानी हमारे पास टोटल चार प्लूटस लार्वा बने। ऐसा क्यों हुआ, ऑप्शन में देके रखा है, ये किस चीज का एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करता है। पहला है ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन, दूसरा है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, तीसरा डिटरमिनेशन, फोर्थ मोजाइक डेवलपमेंट। तो मैं आपको जरा सा बता देती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले जिस सेल को हमने अलग किया था फोर सेल स्टेज पे, अलग करने के बाद क्या हुआ कि जिस सेल से वो अलग हो गया, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं ये जो सेल है इसको हम नाम देते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये सेल 1 था, ये 2 था, ये 3 और ये 4। तो जो सेल बाकी अपने साथियों से अलग हो गया उसने क्या किया, बाकी सेल के पॉपुलेशन को डिवीजन के थ्रू कंपनसेट कर दिया। इसने भी कंपनसेट कर दिया, इसने भी कंपनसेट कर दिया, और इसने भी, इस तरीके से। तो एक ढंग से कुछ टाइम बाद ये स्टेज ऐसा बन गया कि मान लो कुछ लॉस ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से देखने को ये मिला कि कंप्लीट लार्वा बन गया, बस थोड़ा सा साइज में छोटा था बट ज्यादा नहीं, बट येट इट वॉज फॉर्मिंग अ प्लूटस लार्वा, टोटल नॉर्मल प्लूटस लार्वा कंडीशन, ठीक है। तो ये कौन से स्पेसिफिकेशन को बताता है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। वाई सो, क्योंकि कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में सेल को अगर आप अलग कर देते हैं और अभी भी अगर वो इतने अर्ली स्टेज में प्रेजेंट है कि जो सेल उसके पास से लॉस हुआ है उसका वो कंपनसेशन करके वापस से नॉर्मल डेवलपमेंट करवा सकता है, और ऐसा केस सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में देखने को मिलता है। सो दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, ठीक है। वैसे भी जो बाकी ऑप्शन है वो एक ही जैसे मीनिंग को शो करते हैं, जैसे कि ऑटोनॉमस, डिटरमिनेशन एंड मोजाइक डेवलपमेंट, ये तीनों का मीनिंग एक ही है। ये तीनों जो है एक एक आप कह सकते हो कि एक ही चीज के लिए ये तीनों टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं। डिटरमिनेशन का मतलब ही होता है ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन, ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन का मतलब ही होता है मोजाइक डेवलपमेंट। अगर बात करते हैं कि मान लीजिए अगर ये फोर सेल स्टेज के सेल अगर ये ऑटोनॉमस या डिटरमिनेशन या मोजाइक शो करते तब क्या करते, तब जो है वैसे तो ये शो नहीं करते, मैं आपको फिर भी एक चीज बता रही हूं, अगर ये शो करते तो होता ये कि मान लीजिए जो फर्स्ट यानी सेल नंबर 1 का जो फेट था, जो भी बॉडी का पार्ट बनाने का, ये सिर्फ वही बॉडी पार्ट बनाता और बाकी सब पार्ट नहीं बनाता अगर आप इसको आइसोलेट कर देते तो। लेकिन क्या यहां पर रिजल्ट में ऐसा कुछ देखने को मिला, आंसर इज नो, यहाँ पर कंप्लीट लार्वा बन रहा है, मतलब कि प्रॉपर ढंग से नॉर्मल प्लूटस लार्वा बन रहा है। दैट इज एन एग्जाम्पल कि यहाँ पर जो है कंपनसेशन हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। ये एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट था, आपको जरूर पढ़ना चाहिए, गिलबर्ट में बहुत ब्यूटिफुली इसको डिफाइन करके रखा है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कलरफुल पिक्चर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इकाइनोडर्म स्पर्म डायरेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय, इकाइनोडर्म्स में स्पर्म का डायरेक्शन किसके थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। आप अपना आंसर अगेन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आपको याद होगा जब मैं कल आपको लेक्चर दे रही थी तो वहां पे जो है मैंने आपको बताया था स्पर्म को डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, रिसेक्ट करता है, राइट।
जो कि एक 14 अमाइनो एसिड का एक पेप्टाइड कंसिडर किया जाता है। इतना ही नहीं, इसका काम जो है डायरेक्शन प्रोवाइड भी करना होता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये स्पर्म को एक्टिवेट करवाने में भी मदद करता है। ये दोनों ही मैंने आपको फंक्शन बताया था। तो पहला है कैल्सिन्यूरिन, नो, रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकेंड है बिंडिन प्रोटीन, नो। थर्ड इज रीसेक प्रोटीन, यस। स्पर्म को डायरेक्शन प्रोवाइड करने में रीसेक प्रोटीन जो है वो मदद करता है। EBR1 नॉट एट ऑल। ठीक है, हमारा आंसर हो गया थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। लेट्स सी क्या बोला गया है। फर्टिलाइजेशन इन सी आर्चिन इन्वॉल्व इंट्रैक्शन ऑफ द स्पर्म बिंडिन विद इट्स रिसेप्टर EBR1 which is a 350 kDa glycoprotein on the egg white line membrane. The plot given below shows the status of membrane potential and the level of EBR1, sodium, potassium in an unfertilized egg. तो आपको जो यहाँ पर पिक्चर देकर रखा है, this is a picture of unfertilized egg. ठीक है, this is a picture of unfertilized egg, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ये जो concentration है, ये जो खाली box है, that is for the EBR1. ठीक है, ये जो है, this is the EBR1. जो dark color का box है, this is for the sodium, और ये जो shaded है, that is for the potassium. और यहाँ पे concentration को बताया जा रहा है, कितना concentration है. तो EBR1 का concentration लगभग जो है इतना है, ठीक है, और सोडियम का लगभग इतना है, फाइन। और अनफर्टिलाइज्ड एग का यू नो कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है अनफर्टिलाइज्ड एग का वो लगभग कितना होता है, -70 mV. तो -50 यहाँ है, -10 यहाँ है, तो सीधी सी बात है -70 कुछ यहां पर होगा, राइट। तो बोला ये गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट द कंडीशन within an egg 1 to 3 seconds after fertilization. तो कल के लेक्चर में मैंने आपको ये साफ साफ बताया था कि 1 से 3 seconds के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के 1 से 3 seconds के बाद मेनली फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी देखने को मिलता है। और फास्ट ब्लॉक में क्या देखा जाता है कि सोडियम आयन जो है, सोडियम आयन एग के अंदर एंटर करता है, ठीक है, यानी सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, साथ ही साथ मेम्ब्रेन पोटेंशियल में शिफ्टिंग भी आ जाएगी, मेनली पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, +20 शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, ये हमें पता है। अब हमें ये जो चीजें हमें पता है उसको हमें ग्राफ से मैच करना है। पहले ग्राफ में देखिए, पहले ग्राफ में बता के रखा है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन 70 से जो है, माइनस सेवेंटी से जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो +20 पे पहुंच जाएगा, ठीक है, दिख तो +20 रहा ये, लेकिन कुछ टाइम बाद, ठीक है, लगभग 2 सेकंड के बाद ये 20 से भी बहुत ऊपर जा रहा है, मतलब लगभग 30 पहुंच जा रहा है, जो कि एक ढंग से ये ग्राफ ही गड़बड़ कर दिया है, ठीक है, ये एक ढंग से सही नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि यहाँ पर EVR1 का कंसंट्रेशन तो ठीक है, लेकिन अचानक से सोडियम का कंसंट्रेशन मीडियम ही है और पोटेशियम अचानक से बहुत बढ़ गया, जो कि एक अनयूजुअल इंक्रीज है। अगेन ये ग्राफ एकदम ही गलत है। सेकंड पे आते हैं, देखिए सेकंड पे ये तो एरिया बता के रखा है -70 mV, ये बता के रखा है कितना, +20 mV, चलो ये तो ठीक है। EBR1 एज इट इज रहेगा, बिल्कुल इतना ही कंसंट्रेशन रहेगा, EBR1 पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम इतना इंक्रीज हुआ है, ऑल्दो सोडियम काफी इंक्रीज होता है, जो कि एक यहाँ पर गलत चीज को प्रेजेंट करके रखा है। एंड अगेन यहाँ पे पोटेशियम का कंसंट्रेशन इतना बढ़ गया है, जो कि अगेन रॉन्ग है, तो ये भी कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है, ये ग्राफ भी गलत हो गया। थर्ड पे आइए, यहाँ पर -70 mV है, ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हो गया +20 mV। अब अगर EBR1 को देखिए तो इसका कंसंट्रेशन इतना है, ठीक है, एज इट इज, ये जैसा अनफर्टिलाइज्ड एग में वैसे यहाँ पर भी है, लेकिन अगर देखा जाए सोडियम के कंसंट्रेशन को तो इसका कंसंट्रेशन बहुत बढ़ चुका है, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि फास्ट ब्लॉक में सोडियम की एंट्री हो जाती है एग के अंदर और पोटेशियम में कोई चेंज नहीं आता है, तो इसलिए ये एज इट इज पड़ा रहेगा, ठीक है, जितना यहाँ पे कंसंट्रेशन है उतना ही अनफर्टिलाइज्ड में भी था। तो एज अ रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, थर्ड स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो गया।
फोर्थ को जरा देखिए, फोर्थ में तो यहाँ पर जो ओवरऑल यहाँ पे ग्राफ है वो लगभग -70 भी नहीं, -60 के करीब लगभग दिखा रहा है, और अचानक से ये -100 पे डाउन हुआ है, फिर उठ गया है, जो कि एक ढंग से गलत स्टेटमेंट है। और EBR1 तो अचानक से ये फ्लक्चुएट हो गया, जो कि किसी भी एंगल से सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर हो गया वो हो गया थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट विच अकर ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ सी आर्चिन। आपको कुछ ऐसे इवेंट को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है जो कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पर देखे जाते हैं। उसके बाद आपको कौन सा स्टेटमेंट पिक करना है जो कि सही नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। पहला है रिसेक्ट एंड स्पीरेट आर पेप्टाइड रिलीज्ड फ्रॉम द एग जेली एंड हेल्प इन द स्पर्म अट्रैक्शन। कल मैंने बताया था कि स्पीसीज पे डिपेंड करता है कि रिसेक्ट सिक्रीट होगा या स्पीरेट सिक्रीट होगा, ठीक है। तो रिसेक्ट या स्पीरेट कोई भी जो है पेप्टाइड सिक्रीट हो सकता है, रिलीज हो सकता है, लेकिन एग जेली से ही रिलीज होगा और स्पर्म को अट्रैक्ट करने में मदद करेगा, बिल्कुल बाय प्रोवाइडिंग दी डायरेक्शन। तो ये क्या हो गया, ये तो सही हो गया। बी देखते हैं, बिंडिन विच इज एन एक्रोसोमल प्रोटीन, बिल्कुल सही है, इंटरैक्ट इन द स्पीसीज स्पेसिफिक मैनर विद एग, बिल्कुल सही। बिंडिन जो है एक्रोसोम पे पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, स्पीसीज स्पेसिफिक मैनर में इंटरैक्ट करता है एग के साथ, सो दिस इज ट्रू। सी देखिए, अ रेस्पिरेटरी बर्स्ट अकर ड्यूरिंग द क्रॉस लिंकिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन एनवलप व्हेन द कैल्शियम डिपेंडेंट इंक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल इज ऑब्जर्व। तो कल मैंने आपको ये बताया था कि ऑक्सीजन लेवल में रिडक्शन आता है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन किया जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाने में, H2O2 बनाने में, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के लेवल में रिडक्शन आता है। इन्होंने यहाँ पर बोला है कि रेस्पिरेटरी बर्स्ट के टाइम पे ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज होगा, जो कि क्या हो जाता है, जो कि एक ढंग से गलत स्टेटमेंट हो जाता है। डी देखिए, डी में क्या बोला है, IP3 विच इज फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ स्पर्म एंट्री सिक्वेस्टर्ड द कैल्शियम लीडिंग टू दी कॉर्टिकल ग्रैन्यूल एक्सोसाइटोसिस। IP3 सिक्वेस्टर का मतलब क्या होता है, छुपा देना, स्केप करवा देना, ठीक है। तो IP3 क्या करता है, IP3 एक्चुअल में स्पर्म की साइट पर मेनली फॉर्म होता है और कैल्शियम को सिक्वेस्टर करवाने में मदद करता है ताकि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल का एक्सोसाइटोसिस हो जाए। अब कॉर्टिकल ग्रैन्यूल का एक्सोसाइटोसिस करना है तो कैल्शियम को सिक्वेस्टर करवाने की जरूरत नहीं है, उसे रिलीज करवाने की जरूरत है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, अगेन गलत हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो सी और डी का कॉम्बिनेशन दिया ही नहीं गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए CSIR ने एस्ट्रिकॉट मार्क किया था, मतलब कि आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, आपको आपको जो है मार्क्स मिल जाएगा। बट समहाउ अगर देखा जाए तो आंसर जो होगा यहाँ का वो होगा सी एंड डी स्टेटमेंट जो है वो गलत दे के रखा है, इज रॉन्ग। और आपसे यही पूछा है विच इज नॉट ट्रू, तो सी और डी यहाँ पर ट्रू नहीं है, लेकिन ऑप्शन दिया नहीं गया इसलिए हम अपनी तरफ से जो है सी और डी कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन इन सी आर्चिन डिमांड स्पेसिफिक इंट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटीन एंड रिसेप्टर ऑफ द स्पर्म एंड एग, ठीक है। इन व्यू ऑफ द अबव विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, कौन सा यहाँ पर कॉम्बिनेशन करेक्ट होगा रिगार्डिंग द फर्टिलाइजेशन। तो पहला है बिंडिन इन द एक्रोसोम एंड बिंडिन रिसेप्टर ऑन द एग व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन, यानी बिंडिन अगर एक्रोसोम पे प्रेजेंट रहे और बिंडिन रिसेप्टर एग व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहे तो फर्टिलाइजेशन देखा जा सकता है, सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो सकता है, यस दिस इज ट्रू। सेकेंड देखिए, बोला है बिंडिन इन एग मेम्ब्रेन एंड बिंडिन रिसेप्टर इन एक्रोसोम, ये तो पूरा ही जो है इन्होंने जो इनका लोकेशन होता है वो चेंज कर दिया, जो कि क्या हो गया, गलत स्टेटमेंट। थर्ड है रिसेक्ट ऑन एग जेली एंड बिंडिन ऑन स्पर्म मेम्ब्रेन। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो बिंडिन होता है वो एक्रोसोम पे होता है, राइट, तो अगेन ये गलत। थर्ड है प्रोटियोजोम ऑन एग मेम्ब्रेन, प्रोटियोजोम का यहाँ कोई काम नहीं होता है, तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इन सी आर्जिन सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन कैन बी इंश्योर्ड ओनली आफ्टर द स्पेसिफिक इंट्रैक्शन बिटवीन द स्पॉर्म प्रोटीन्स एंड द रिसेप्टर ऑन एग वाइटलाइन एनवलप विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल इंश्योर प्रॉपर फर्टिलाइजेशन ऑफ सी आर्जिन एग। अगेन यहाँ पर यही बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि प्रॉपर फर्टिलाइजेशन को यहाँ पर शो करेगा, राइट, विच विल इंश्योर द प्रॉपर फर्टिलाइजेशन ऑफ सी आर्चिन एग। पहला है एक्सप्रेशन ऑफ EBR1 विच इज अ प्यूटेटिव बिंड इन रिसेप्टर ऑन द सर्फेस ऑफ द एक्रोसोमल मेम्ब्रेन। ओके, तो EBR1 वेरी ऑब्वियसली एक्रोसोमल मेम्ब्रेन पे तो एक्सप्रेस नहीं होता है, राइट, तो ये क्या हो गया, गलत स्टेटमेंट। सेकेंड देखिए, बोला है एक्सप्रेशन ऑफ बिंडिन जस्ट बिलो द एग जेली। बिंडिन का एक्सप्रेशन एग जेली के बिलो साइड में होता है, अगेन गलत। थर्ड में बोला है एक्सप्रेशन ऑफ EBR1 ऑन एग व्हाइट लाइन एनवलप। यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, जो व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन होता है वहां पर EBR1 एक्सप्रेस होता है, सो दिस इज ट्रू। फोर्थ में बोला है एक्सप्रेशन ऑफ बिंडिन मॉलिक्यूल ऑन एग व्हाइट लाइन एनवलप, जो कि अगेन क्या है, गलत है। कल आपको साफ साफ मैंने बताया था कि लोकेशन क्या होते हैं इनके एक्सप्रेस होने के। अगला क्वेश्चन, फॉर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन इन सी आर्चिन इंट्रैक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ एग एंड एक्रोसोमल प्रोटीन स्पेसिफिकली अ 30.5 kDa प्रोटीन कॉल द बिंडिंग is necessary. The following factor could affect this interaction and prevent the fertilization. आपसे पूछा है कि यहाँ पर कुछ ऐसे factor हैं जो कि इस interaction को रोक सकते हैं as well as fertilization को prevent कर सकते हैं। पहला केस है कि fertilization को अगर prevent करना है तो egg jelly में जो polysaccharide है उसे remove कर दिया जाए, ठीक है। Second है removal of bindin receptor on the एग व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन, बिंडिन रिसेप्टर को एग व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन से हटा दिया जाए। थर्ड है रिमूवल ऑफ बिंडिन रिसेप्टर फ्रॉम द एग जेली, वैसे तो एग जेली पे होता ही नहीं है, तो ये तो स्टेटमेंट ऐसे ही बहुत ज्यादा इनवैलिड हो गया। फोर्थ है रिमूवल ऑफ बिंडिन रिसेप्टर फ्रॉम अ सिंगल क्लस्टर ऑन द व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन, नो, सिंगल क्लस्टर से रिमूव करने से कुछ नहीं होगा, बाकी जो एरिया में EBR प्रेजेंट होंगे वो फर्टिलाइजेशन करवा देंगे। तो पहला केस जो है रिमूवल ऑफ एग जेली पॉलीसेक्राइड। अब देखिए इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि इसने सिर्फ फर्टिलाइजेशन के लिए पूछा है, राइट, तो अगर पहला अगर स्टेटमेंट देखा जाए तो एग जेली पॉलीसेक्राइड को अगर आप रिमूव भी कर देते हैं, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया है कि अट्रैक्शन से लेके फर्टिलाइजेशन तक का सफर, क्योंकि एग जेली से जो रिसेट प्रोटीन यूज होता है वो डायरेक्शन एज वेल एज अट्रैक्शन एंड एक्टिवेशन प्रोवाइड करने में मदद करता है। इन्होंने जो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है वो बोला है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो व्हाट वी कैन डू, खाली फर्टिलाइजेशन के लिए बोला है तो हम खाली फर्टिलाइजेशन फैक्टर जैसे कि हो गया बिंडिन का प्रेजेंट रहना एक्रोसोम पे, एक्रोसोमल प्रोसेस पे, एंड EBR1 का प्रेजेंट रहना व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन पे, ये दो फैक्टर जरूरी होते हैं फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए। बाकी फैक्टर जो होते हैं वो स्पर्म को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। तो अगर खाली स्पेसिफिकली बोला जाए इस क्वेश्चन की खाली जो डिमांड है वो फर्टिलाइजेशन पे फोकस कर रहा है, तो इसके हिसाब से हम देखें तो वी कैन गो विद द सेकेंड ऑप्शन कि रिमूवल ऑफ बिंडिन रिसेप्टर ऑन द एग व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन जो है अगर हम ऐसा करते हैं तो जो फर्टिलाइजेशन है वो प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ओनली बी, फाइन। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है पॉलीस्पर्मी रिजल्ट व्हेन टू और मोर स्पर्म फर्टिलाइज एन एग, इट इज यूजुअली लेथल सिंस इट रिजल्ट इन द ब्लास्टोमियर विद डिफरेंट नंबर एंड टाइप ऑफ क्रोमोजोम। Many species therefore have two block to the polyspermy, the fast block and the slow block. सी आर्चिन के केस में यहां पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा ट्रू होगा, ठीक है। अब ट्रू स्टेटमेंट की हम बात करते हैं, तो पहला बोला गया है द फास्ट ब्लॉक इज अ इमीडिएट एंड कॉज द एग मेम्ब्रेन रस्टिंग पोटेंशियल टू राइज विच Does not allow the sperm to fuse with the egg. Okay, बिल्कुल सही बोला है।
एंड इज मीडिएटेड बाय द इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन. बिल्कुल सही, ठीक है, ए स्टेटमेंट जो है एकदम सही हो जाता है. बी देखिए क्या बोला गया है, द फास्ट ब्लॉक इज इमीडिएट एंड कॉज द एग मेम्ब्रेन रेस्टिंग पोटेंशियल टू राइज विच डज नॉट अलाउ द स्पर्म टू फ्यूज विद द एग. यहां तक तो स्टेटमेंट सही है. एंड इज मीडिएटेड बाई एन इफ्लक्स. इफ्लक्स का मतलब होता है बाहर निकल जाना, इनफ्लक्स का मतलब होता है अंदर की तरफ आना. तो ऑब्वियसली जो सोडियम है वो बाहर तो निकलता नहीं है, एग सेल के अंदर आता है. सो हेंस वी कैन से दैट इफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, राइट. सो द इफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन जो हो गया वो क्या हो गया, वो हो गया गलत स्टेटमेंट, क्योंकि यहां पर इनफ्लक्स होता है ना कि इफ्लक्स होता है. थर्ड देखिए, द स्लो ब्लॉक और कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय द कैल्शियम आयन. जो स्लो ब्लॉक होता है जिसे हम कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिएक्शन भी कहते हैं, वो सोडियम आयन के थ्रू मीडिएट हो सकता है. यस, बिल्कुल सही, हो सकता है. इनफैक्ट सोडियम सॉरी कैल्शियम आयन के थ्रू हो सकता है, ठीक है. आई एम सॉरी, मैंने गलत स्टेटमेंट बोला. द स्लो ब्लॉक और कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय द कैल्शियम आयन. बिल्कुल, कल मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम आयन मीडिएटेड स्लो ब्लॉक देखा जाता है, क्योंकि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल वहां पे मेन काम करता है. कॉर्टिकल ग्रैन्यूल को एक्टिवेट करने में कैल्शियम आयन मदद करती है. तो ये ट्रू हो गया स्टेटमेंट. डी में बोला है स्लो ब्लॉक और कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय द पोटेशियम आयन, नॉट एट ऑल. पोटेशियम आयन के थ्रू ये काम नहीं करता है. तो अगर हम देखें तो हमारा ए स्टेटमेंट सही है और सी स्टेटमेंट सही है. तो ए और सी जो हो गए, फर्स्ट स्टेटमेंट ये हो गया सही. ओके, सो इसके साथ जो है हमने सी आर्चिन के जो मेन मेन क्वेश्चन थे, जो कि पढ़ाए हुए पोर्शन, कल जो मैंने आपको पढ़ाया था लेक्चर में सी आर्चिन के बारे में, आप चाहें तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है. और उसके बाद अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उस लेक्चर में बहुत ही क्रिस्प मैनर में जो है सभी चीजों को कवर किया है. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो भी चीजें मैं हमने यहाँ पर कवर की है वो आपको समझ में आ गया होगा. ओके, and apart from this, if any of you are interested, you can follow me on Unacademy platform also. ठीक है, वहां पे मैं दो टाइप की क्लासेस लेती हूँ, एक होती है फ्री क्लासेस, एक होती है पेड क्लासेस. ठीक है, तो सबसे पहले तो आप Unacademy का लर्निंग ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि आप सारी ही क्लासेस को एक्सेस कर पाए. अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप प्लस का क्लास ले सकते हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो फ्री क्लासेस भी आप एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, ज्योति कुमारी नाम आप टाइप करेंगे तो आपकी आपको जो है मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी Unacademy के प्लेटफॉर्म पे. जो कोर्सेस मेरे फिलहाल में चल रहे हैं वो है इकोलॉजी कोर्स, जो कि अभी कुछ दिन में ही, एक से दो दिन में खत्म हो जाएगा. डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी एक से दो दिन में खत्म हो जाएगा. फिलहाल में मैं प्लांट फिजियोलॉजी शुरू कर चुकी हूँ, वो भी 5th of August से. ठीक है, और ये एक बहुत ही डिटेल कोर्स है, आप देख सकते हैं 50 लेक्चर्स लेने वाली हूँ मैं प्लांट फिजियोलॉजी की. तो यू कैन इमेजिन कि कितना ज्यादा जो है पूरा का पूरा ही पोर्शन में कवर करने वाली हूँ डिटेल में. और इवोल्यूशन का जो कोर्स है वो लगभग 9th of August से शुरू हो जाएगा. और कमाल की बात यह है कि इन सभी क्लासेस को जो है आप एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में. अलग अलग सब्सक्रिप्शन आपको लेना ही नहीं है, सिंगल सब्सक्रिप्शन में आप इन सारे क्लासेस को देख सकते हैं. जो पुरानी क्लासेस हो चुकी हैं उनको भी देख सकते हैं, जो आने वाली है उनको भी, और जो चल रही हैं उनको भी. और एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी एजुकेटर की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. मेरी दो बैच क्लासेस भी चल रही हैं, ठीक है, दैट इज बैच नंबर 5 and 4. और अगर सब्सक्रिप्शन में आप इंटरेस्टेड होते हैं, यू कैन यूज द कोड ज्योति. ज्योति कोड जरूर यूज कीजिए, ये आपको 10% का डिस्काउंट दे देता है आपके ओवरऑल सब्सक्रिप्शन पे. अभी अगर हम फिलहाल की बात करते हैं तो अभी एक मेगा ऑफर चल रहा है, जिसमें कि आप 6 month का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 month का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जा रहा है. 12 month का लेते हैं तो अगेन उसमें भी 2 month का फ्री मिल जा रहा है. और अगर डिस्काउंट चाहिए तो ज्योति कोड का भी इस्तेमाल कर लीजिए. तो कम अमाउंट में आप ज्यादा का जो है फायदा यहाँ पर मेनली उठा सकते हैं. और अगर हम बात करें कौन कौन से सब्सक्रिप्शन बेनिफिशियल होते हैं, आप 6 month के साथ जा सकते हैं, 12 month के साथ जा सकते हैं. ठीक है, जिसका प्राइस ये है
लेकिन ऑब्वियसली आपको पूरा पे नहीं करना है, ज्योति कोड का इस्तेमाल करेंगे इस पे भी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि या तो तैयारी 6 महीने में होती है या तो 12 महीने में होती है। इससे कम ड्यूरेशन में अगर आते भी हैं तो आप मतलब आपको एंटरटेन करना किसी भी एजुकेटर के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जब आप उनके साथ लंबे टाइम तक बने ही नहीं रहेंगे तो वो आपको गाइड कैसे करेंगे, ठीक है। और जो सिलेबस 6 महीने का है, वेरी ऑब्वियस, उसको 6 महीने में ही गेन किया जा सकता है, क्योंकि पढ़ाई जल्दबाजी में नहीं की जाती है, उसको प्रॉपर ढंग से समझ के की जाती है, ठीक है। यानी आपको एक अच्छा खासा टाइम ड्यूरेशन देना पड़ता है अपनी स्टडीज को। इसलिए जो बच्चा ऑलरेडी काफी ज्यादा ब्राइट है रिगार्डिंग द बेसिक्स, वो 6 मंथ के लिए जा सकता है, और जो बच्चा थोड़ा सा स्लो लर्नर है वो 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ जा सकता है, ठीक है। और आप देख सकते हैं ज्यादा नहीं, लगभग 2 to 3 thousand का जो है एक डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन मूव। और ये जो मेगा ऑफर है ये 3rd August से 11th August तक जो है अप्लाई रहेगा, तो आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग जो है इन सब्सक्रिप्शन के साथ मूव ऑन कर सकते हैं। और सबसे कमाल की बात है कि स्पेशल क्लासेस भी होती हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, वहां पे मैं फ्री क्लासेस भी लेती हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। अभी फिलहाल में कुछ दिन पहले मैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी की ईयर वाइज प्रीवियस ईयर सेशन, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसका सेशन चला रही थी। ये सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। जो स्पेशल क्लासेस होती हैं, स्पेशल क्लासेस आर द टाइप ऑफ द डेमो क्लासेस, जो कि आपको ये बता रही होती हैं कि प्लस में क्लासेस कैसे चलेंगी, लेकिन वेरी ऑब्वियस ये भी 60 मिनट की होती हैं, तो अगर आप चाहें तो यहाँ से भी बहुत कंसेप्ट गेन कर सकते हैं, क्योंकि 60 मिनट में ऑब्वियसली किसी भी चीज को समझाना आसान होता है एज कम्पेयर टू द 30 मिनट जो कि हम यहाँ पे करते हैं। इतना ही नहीं, मतलब कि जब आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे होते हो मेनली स्पेशल क्लास में, तो वेरी ऑब्वियस एड फ्री क्लासेस मिलती हैं, डिस्ट्रैक्शन फ्री होती हैं, पोल वहां पे देखा जा सकता है जिसकी वजह से आपको अपनी रियल टाइम रैंकिंग देखने को मिलती है, अगर क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं कि आप इतने सारे बच्चों में कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तो काफी ज्यादा इंटरेक्टिव सेशन चलता है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है। इतना ही नहीं, आप जो है वहाँ पे डायरेक्टली हमसे डाउट भी पूछ सकते हो विद द हेल्प ऑफ द डाउट बॉक्स, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटी है। अगर आपने अभी भी अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अभी तक एक्सेस नहीं किया है तो ट्राई करके देखिए, वेरी ऑब्वियसली आपको जो है बहुत सी चीजों को जानने का मौका मिलेगा और बहुत कुछ आप सीखोगे नया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास जो है मेरी मंडे को होगी, दैट इज 9th August को होगी, विथ सम न्यू टॉपिक, कुछ गेन करेंगे, उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड कीप लर्निंग।